किसी भी फंक्शन का एवरेज कैसे निकालते हैं। किसी फंक्शन जो कांस्टेंट फंक्शन ना हो, टाइम का फंक्शन सपोज़, या एक्स का फंक्शन है, सपोज़ हमने टाइम का फंक्शन लिया है और इस फंक्शन का एवरेज निकालना है, ठीक है। तो हम इसे जनरली जो नोटेशन होता है वो एंगुलर ब्रैकेट में होता है, या इसी की बात करी जाए एफ एवरेज, AVG, फंक्शन का एवरेज फॉर गिवन इंटरवल। तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है 1/T वेयर टी इज़ अ टाइम लैप्स एंड इंटीग्रल 0 से T और FTDT, ठीक है। तो ये आपकी जनरल डेफिनेशन हो गई किसी फंक्शन का एवरेज निकालने के लिए। तो देखते हैं, हमें साइन एक्स का, साइन टी का एवरेज निकालना है। हमारे पास फंक्शन जो है FT वो साइन टी है, लेट बी FT इज साइन टी, और इस फंक्शन का हमें एवरेज निकालना है, ठीक है। तो डेफिनेशन फॉलो करते हैं, तो एवरेज वैल्यू ऑफ साइन टी दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1/T वेयर टी इज़ अ पीरियड 0 से T साइन टी dt। जब आप इंटीग्रेट करोगे इसको, साइन को, तो साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, ठीक है, माइनस कॉस, माइनस ऑफ कॉस ऑफ टी, ठीक है। और हम फिर रखेंगे अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट आपकी कैपिटल टी है, 1/T। फिर प्लेस करेंगे हम लोग लिमिट के वैल्यू 1/T, और ये आपका हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ अपर लिमिट प्लेस करोगे एंड देन माइनस लोअर लिमिट, माइनस ऑफ कॉस ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। एंड नाउ दैट इज़ इक्वल्स टू 1/T इंटीग्रल ऑफ कॉस 0 आपका 1 होता है, और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस आ जाएगा cos of t, ठीक है। अब सपोज़ हम डिफरेंट केस कंसीडर करते हैं। सपोज़ केस वन हमारा है कि ये टाइम पीरियड जो है, या फुल साइकिल के हम लोग एवरेज देखना चाहते हैं, ठीक है। केस वन, टाइम पीरियड टी लेते हैं हम लोग 2π। 2π मतलब जो इंटरवल हम कंसीडर कर रहे हैं 0 से 2π कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब कि जो फंक्शन आपका होगा, ठीक है, जो फंक्शन आपका है, तो साइन का ग्राफ है 0 से आप 2π ले रहे हो, तो ये आपका फंक्शन हो गया, ठीक है, ये 2π हो गया। अब हम इस पूरे वेरिएशन का, 0 से जो फंक्शन है पाई तक, ये पॉजिटिव है क्योंकि ग्राफ हमारा क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। सपोज़ ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है, और पाई से आपका 2π जो हो गया वो ग्राफ एक्स एक्सिस, वाई एक्स एक्सिस के नीचे, इसका मतलब निगेटिव है। तो हम ये इंटरवल कंसीडर करना चाहते हैं। तो जो एवरेज वैल्यू हो जाएगी साइन टी की एक कंप्लीट साइकिल के लिए, ठीक है, वो आपका 1/2π और 1 माइनस cos of 2π, और cos 2π कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये आपका 1, तो जो आपकी ब्रैकेट की वैल्यू है 1 माइनस 1 0, तो 1/2π। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन की जो एवरेज वैल्यू है वो 0 होगी फॉर वन कंप्लीट साइकिल, ठीक है। यहाँ से भी हम देख सकते थे कि जो ये ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। जितना एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही एरिया हमारी एक्स एक्सिस के नीचे है, तो ये दोनों ही आपका कैंसिल आउट कर देंगे और नेट एरिया आपकी 0 आ जाएगी। तो हम ये कह सकते थे कि वन कंप्लीट साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू है साइन की वो 0 है। लेकिन अगर हाफ साइकिल के लिए हम लोग बात करें, ठीक है, केस टू की बात करें हाफ साइकिल के लिए, तो सर्टेनली हाफ साइकिल में ये काम नहीं होने वाला है। हाफ साइकिल के लिए क्या है, हाफ साइकिल के लिए ग्राफ
ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो कुछ एवरेज वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे दूसरा ग्राफ कंसीडर करते हैं, जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि हाफ साइकिल की बात करेंगे, ठीक है। तो हाफ साइकिल का मतलब कि टी आपको कितना लेना पड़ेगा, टी आपको लेना पड़ेगा 0 से पाई, ठीक है। तो अभी तो आपका ये फंक्शन है हाफ साइकिल, हाफ साइकिल का मतलब ये हुआ कि ये पहले तो ये बैरी करेगा, ठीक है। 0 से पाई बाय 2, साइन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, ये इंक्रीज करता जाएगा, पाई बाय टू पे ये 0 हो जाएगा, देन उसके बाद फिर फर्दर डिक्रीज करने लगेगा, ठीक है। तो पाई बाय टू से पाई तक ये डिक्रीज करेगा। तो अभी हमें क्या करना है, 0 से पाई तक निकालना है। तो सर्टेनली इस बार 0 नहीं आने वाला है, क्योंकि एरिया आपका पूरा का पूरा वाई एक्सिस से क्या है, एक्स एक्सिस सॉरी, ऊपर है, ठीक है। तो ये एरिया कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगी, ये एरिया कुछ पॉजिटिव होगी। तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि जो एवरेज वैल्यू साइन की होगी, साइन ऑफ टी के एवरेज वैल्यू होगी 1 बाई, और टी की प्लेस पे क्या रख सकते हो, पाई रखोगे अभी, ठीक है। देन 1 माइनस कॉस ऑफ पाई, और कॉस पाई आपका -1 होता है, ठीक है। -1 और देन -+1 हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट की वैल्यू 2 आ जाएगी, और ये कम्प्लीटली आपका 2 बाई पाई आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन जो हाफ साइकिल के लिए साइन की एवरेज वैल्यू 0 नहीं होती है, लेकिन 1 कंप्लीट साइकिल के लिए पूरा वेरिएशन होता है, ठीक है। निगेटिव पॉजिटिव -1 से +1 सारी वैल्यू वेरी करती है, ठीक है। तो नेट आपका जो होगा वो 0 हो जाएगा। ये हो गया आपका केस टू हाफ साइकिल के लिए, मतलब अगर हम यहाँ डाल देते हैं केस 2, केस 2 फॉर हाफ साइकिल, मतलब टी इक्वल्स टू आपका पाई हो गया, या यूं कह लें हाफ साइकिल, और यहाँ पे क्या था आपका, दैट इज फुल साइकिल। इसी तरह से आप निकालोगे केस 3, ठीक है। केस 3 की बात करोगे तो केस 3 में आप कहोगे, केस 3 में हम क्वार्टर साइकिल की बात करेंगे। क्वार्टर साइकिल का मतलब होता है 0 से पाई बाय 2, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं साइकिल केस 3, दैट इज टी इक्वल्स टू पाई बाय 2। जब पाई बाय 2 होगा तो जो एवरेज वैल्यू साइन की होगी, साइन टी की, ये हो जाएगी आपका 1 बाई, कितना था, 1 बाई टी था, टी का मतलब कितना हो गया, पाई बाय 2, ठीक है। फिर 1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 2, और कॉस पाई बाय टू कितना होता है आपका, 0 होता है, ठीक है। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, 2 बाई पाई, ठीक। तो ये हो गया आपका साइन टी का एवरेज वैल्यू क्वार्टर साइकिल के। लेकिन आप ये देखिए कि जो आपका हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू थी, वही क्वार्टर साइकिल के लिए, ऐसा क्यों हुआ? तो थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो हाफ साइकिल के लिए क्वार्टर साइकिल, जो हाफ साइकिल है ये क्वार्टर साइकिल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो जो ये वेरिएशन आपका इंक्रीजिंग हो रहा है, 0 से 1 तक इंक्रीज कर रही है वैल्यू, ठीक है। लेकिन आपकी सारी पॉसिबिलिटी पाई जाएगी 0 से 1 तक, ठीक है। लेकिन 1 से 0 अगर इसी डेटा को हम रिट्रेस करें, रिट्रीव करें, तो हमें क्या नज़र आएगा, 1 से 0 भी फर्दर वाई वेरिएशन है, ठीक है। तो अगर हम लोग पाई बाय टू से पाई जाएँ, तो पाई बाय टू से पाई में वही वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज़ करी थी वैसे ही डिक्रीज़ करेंगे, लेकिन वैल्यू तो हमारे पास वही होंगी। सपोज़ ये हमारे पास कोई y1 वैल्यू है, तो हमें फिर यहाँ भी y1 मिलेगा वो, ठीक है। ये यहाँ कोई, अगर ये हाइट y2 है तो किसी x के लिए मिला होगा हमें, तो ये भी किसी x के लिए मिला होगा। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेरिएशन है 0 से 1 का वेरिएशन है, सारी वैल्यू हमारी एग्जिस्ट करती हैं, वहाँ भी है 1 से 0 है, बस हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो इस इंटरवल का 0 से पाई बाय 2 का भी एवरेज वैल्यू 2 बाई पाई होगा, और पाई बाय 2 से पाई का भी एवरेज वैल्यू 2 बाई पाई होगा। दो एवरेज अगर सेम हो तो उनका भी एवरेज उसी के बराबर हो जाएगा, 2 बाई पाई के बराबर हो जाएगा। तो क्वार्टर साइकिल का अगर हम एक्सटेंड करें, तो क्वार्टर साइकिल से हम हाफ साइकिल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वार्टर साइकिल से हम फुल साइकिल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको ये देखना पड़ेगा कि वो अगर एक्स एक्सिस के नीचे है क्वार्टर साइकिल, तो आपका निगेटिव होगा एरिया, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो क्वार्टर साइकिल एरिया आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
ऐसे ही आप ट्राई करिएगा कॉस एक्स का।